याको अर्थक श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं, जो प्राकृत धर्म, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनसो रहित, तहां श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय कदाचित कोई संदेह करे, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तरीके रहित हैं तो निराकार होंगे, या प्रकार कोई संदेह करे तहां कहत हैं जो प्राकृत जो लौकिक धर्म और अप्राकृत जो अलौकिक धर्म आनंदमय सच्चित आनंदमय देह इंद्रियादिक इनके सहित साकार रूप है। हेलो 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 थोड़ो थोड़ो स्लो कर भाई। हेलो बस ठीक, पहले अपन थोड़ी टीका को देख लें फिर अपन विवेचन करें। कहां निराकार होंगी या प्रकार कोई संदेह करे तहां कहते हैं जो प्राकृत जो लौकिक धर्म और अप्राकृत जो अलौकिक धर्म आनंदमय सच्चिद आनंदमय देह इंद्रियादिक इनके सहित साकार रूप है, या वेद या भाती सो निरूपण कर जो शुद्ध आनंद मात्र करपाद मुकोदर आदि साकार स्वरूप न तो निराकार, या भांति वेद निरूपण करत हैं, ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं जिनकी स्तुति करत हैं, तहां वादी जो पूर्व पक्ष करे कि जो ऐसो साकार रसात्मक स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को तुम ही जानत हो कहत हो कि कोई और वो कहत है, और उनके शास्त्र के जानन हारे अनेक पंडित भी तिन्ने तो ऐसो स्वरूप साकार श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को नहीं कहो है, तहां वह पंडितन के अज्ञान विषय को कारण। अब यहां में प्रथम श्लोक की टीका में श्री गोकुलनाथ जी आप अपन को बताना चाह रहे हैं कि वेद में एक व्यवस्था ऐसी दी है, प्रकृति तावत्तम प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः, ऐसा बताया गया है कि प्राकृत गुण धर्म को निषेध करे है श्रुति वेद, पर ततो ब्रवीति च भूयः, लेकिन आगे कछु कहना चाहे है, और जो वेद आगे कछु कहना चाहे है सो का कहना चाहे है कि वो अप्राकृत धर्म युक्त है, तो जब प्राकृत धर्म को निषेध करत है तब तहां वो सत्व रज और तम को निषेध करत है, लेकिन जहां पे आप आनंदमय रसात्मक स्वरूप की साकृति को बता रहे हैं तहां वाकु आप सच्चिदानंदमय बता रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म के मंगलाचरण में आवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तो अपन तो तापत्रय के नाश के लिए कृष्ण को नमस्कार करें, पर कृष्ण को जो स्वरूप है वो कैसो है, देखे सच्चिदानंदमय। अब ये आनंदमय जो भगवान श्री कृष्ण है या तो सदरूप और चिद्रूप होवे की क्या आवश्यकता पड़े, तो भाई चिद्रूप और सदरूप होवे की आवश्यकता यासु है, क्योंकि क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम थे, ये पूरे जगत को अपने क्रीडार्थ भगवान को रचना है, तासु आगे कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लयादि भी भगवान को करनी है, यासु भगवान जो मात्र और मात्र आनंदमय है, जो रसात्मक है, जो आनंद मात्र कर पाद मुकुदरादि है, वो भी क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे में विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय को सर्व कारण कारण ब्रह्म स्वयं होवे है भगवान श्री कृष्ण, यासु वो सदरूप भी बने हैं जासु जगत की उत्पत्ति होवे, वो चिद्रूप भी बने जासु जीव की उत्पत्ति होवे, और वो आनंद रूप भी बने रहे जासु वो अपनी खुद की स्वरूपाभिव्यक्ति लोक में और धर्म में कर सके, यही कोई हम धर्मी स्वरूप है। जाको हम धर्मी स्वरूप के धर्मी स्वरूप का हो, जासु धर्म प्रकट हो जो धर्म को धारण कर, जो धर्म को धारण करते हो
जाके द्वारा धर्म को संस्थापन होए, जाके द्वारा विधर्म को खंडन हो तो होए, वो जो भगवान को स्वरूप है वो भगवान को धर्म स्वरूप। तो एक वस्तु ये समझनी चाहिए कि या मंगलाचरण में श्री गोसाई जी आप बिल्कुल सूरदास जी वत, जैसे सूर कहा करे विविध आंदरो बिना मोल को चेरो, और साधन और नहीं या कली में जासो होए निवेरो, वा प्रकार से यहाँ उभय भाव युक्त मंगलाचरण आप करते हैं। यहाँ ये मंगलाचरण चरण भगवान के स्वरूप को भी अभिव्यक्त करे हैं और श्रीमद आचार्य चरण के स्वरूप को भी अभिव्यक्त करे हैं। यहाँ पे दोनों प्रकार से मंगलाचरण किए गए है। यासु ही जो लोग अपने यहाँ पहले दिन या सत्संग सत्र में नते हैं उनको मैंने ये बात स्मरण कराई अंतिम बात समय के अपने यहाँ पे ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है सर्वोत्तम स्तोत्र जाकि इति श्री पहले भी वाक्य में आ गई, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को बताए हुए के लिए, श्री गोसाई जी के स्वरूप को बताए हुए के लिए श्री गोसाई जी अगर केवल धर्म रूपम तक कहते तो भी चलते है कि इति कहवे की क्या आवश्यकता है। इति कहवे की आवश्यकता यही है कि यहाँ पे सिद्धांत क्रम पूरा है, जो ब्रह्मवाद को सिद्धांत है, जो माया संबंध रहित भगवान के स्वरूप को विवेचन ब्रह्मवाद करे वो यही बात समझा रहे हैं कि ब्रह्म में कोई भी प्रकार के प्राकृत गुण धर्म पुरुष प्रकृति जन्य, अब प्रकृति जो है वो कैसी है, सदसदात्मिका है, प्रकृति असत पदार्थन को भी परिदृश्यमान करावे है, वास्तव अन्यथा प्रतीति इत्यादि भी होवे है, माया आच्छादिका व्यामोहिका भी होवे है, कहीं कहीं वो वा प्रकार को दर्शन भी दे है कि जो चीज नहीं है वो चीज अपने को प्रतिभाति वा वस्तु की होवे, परंतु जब अप्राकृत निखिल धर्म रूप कह के वा चीज को इति की कही जाए तब मां ये बताया जाए कि यहाँ अप्राकृत जो गुण धर्म भगवान विषय के कहे गए हैं वो ही भगवान को मूल स्वरूप है। यासु वाक्य बात तुरंत कहो निगम प्रतिपाद्यम जब तक, कल अपनी बात भाई छांदोग्य को वाक्य क्या है, तत्वमसि श्वेत केतो हो महावाक्य वेदन है, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तत् पदार्थ जो होवे वो ब्रह्म विषय है, कम पदार्थ जो हो वो जीव विषय, असली पदार्थ जो हो वो जगत विषय हो, जो कुछ भी है जाकी सत्ता है जाको तू देख रहे हो है वो और कछु नहीं है, वो वही तत् ब्रह्म। यहां भी कह रहे हैं निगम प्रतिपाद्यम या तत्, ये भगवान को वैदिक स्वरूप, और वैदिक स्वरूप नहीं हो तो ये स्तोत्र अग्नि कुमार प्रोक्तम नहीं हुआ, विरचितम हुआ। श्री गोसाई जी क्या कह रहे हैं, श्रीमद अग्नि कुमार प्रोक्तम प्रकर्षेण पुनः उक्तम, ये पहले तो कहो गए हो तो बाको मैं तुमसे वापिस कह रहे हो। तो ये जो भगवान वल्लभाचार्य चरण के नाम है ये नित्य है, और नित्यता इन नामन में कैसे आवे हैं, का होवे इसको भगवान के ये नाम नित्य हो जाए, नित्य वा वस्तु कही जाए, ये अलौकिका आनंदमया ते नित्या, जो वस्तु अलौकिक या तो लोक संबंध नहीं और जो आनंदमय वो कैसी है, नित्य, क्योंकि भगवान को आनंद स्वरूप भी जो है वो नित्य है, बाकी जगत की स्थिति उत्पत्ति लयादि ये सबसे कोई संबंध, भगवान एक रस रूप या प्रकार से है। अब यहाँ जैसे ही या प्रकार को प्रतिपादन हो रहे हो हैं और वामे भी हम यहाँ साकृति कह रहे हैं ये तो साकार भगवान को स्वरूप है, तब वहां पे कोई पूर्व पक्षी संदेह करे कि ये बात तुमको ही समझ में आई और कोई को समझ में क्यों नहीं आई, तो वहां दूसरों श्लोक आप प्रकट कर रहे हैं, कलिकाल तमश्चन्न सृष्टित्वाद विदुषाम अभी संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यं समभूतभूमि, क्या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं, जो ये कलिकाल विषय अज्ञान रूपी जो अंधकार
चिंता करी के पंडितन की दृष्टि आच्छादित हो रही है, ताते पंडितन को वेद शास्त्र को पूरो ज्ञान नहीं है, ताते वेद शास्त्र तो प्रमाण पूर्वक निरूपण जिनको स्वरूप साकार ऐसो जो पूर्ण पुरुषोत्तम जिनके स्वरूप को महात्म्य जानो नहीं जाते, सो कौन भाति सो जैसे अंधकार करी के ढापी जो दृष्टि वासु वस्तु को ज्ञान नहीं होए, तैसे ही पंडितन को ज्ञान नहीं होए, सो कहे थे जो पंडितन की स्थिति भूलोक में है और पूर्ण पुरुषोत्तम की स्थिति तो व्यापी वैकुंठ में है, ताते पंडितन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं है और जो वैकुंठ के वासी हैं तिनको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होते हैं, तहां यह पूर्व पक्ष होए जो तुम्हारो प्रागट्य तो भूलोक में है तो तुमको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान कैसे भयो, या भाती को कहे रहे ताकि शंका दूर करवे के लिए अपने श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को ज्ञान है ताको कारण तीसरे श्लोक में निरूपण करत। अब दूसरे श्लोक में जो विशिष्ट वस्तु है वो ये है तम और आच्छन्न, जब वो कहें समच्छन्न, तम को अर्थ क्यों अंधकार और अच्छन्न या आच्छन्न जो शब्द है वाको अर्थ है ढांकनो, आच्छादित करना, सामग्री की टोकरी पधारे ना तो वाके ऊपर जो रेशमी वस्त्र या लाल वस्त्र हो वह क्या कहें आच्छादन, अपने के आच्छादन ले आओ, झाड़ी जी के ऊपर भी जो आवे शीतकाल में वो क्या आवे झाड़ी जी को आच्छादन, वो आच्छादन क्या करे हैं जो वस्तु नीचे है वो तुमको देख रहे नहीं दे, अंधकार भी दृष्टि के साथ ऐसे ही काम करे, अपन मंगलाचरण करें तो क्या कहें अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के तिमिर, तिमिर को मतलब वापिस अंधकार ही हो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे, तो एक गुरु को कार्य है कि तुम्हारा अज्ञान निवृत्त करके तुम्हारो ज्ञान संपादन। अब यहाँ सबसे पहले काल को प्रधान बताए रहे हैं कि काल ऐसा है कि या समय पे दृष्टित्वाद विदुषाम अपि, सामान्य व्यक्ति को कहां से महाप्रभु जी को स्वरूप समझ में आएगो, जब विद्वानंद की भी स्थिति ऐसी है कि उनको भी कलिकाल रूपी अज्ञान के अंधकार के कारण या सांप्रत समय में जो भगवत विषयक महात्म्य है वाको लोक होए वेसु महाप्रभु जी के समभूत भूमि पे होए को उनको ज्ञान नहीं, ये ज्ञान पंडितन को नहीं है, या को तात्पर्य क्या है कि या को ज्ञान केवल दैवी जीवन को है अथवा केवल उन लोगों को है जिनको व्यापी वैकुंठ से संबंध है। अपने यहां जब भी व्यापी वैकुंठ शब्द को प्रयोग हुए तो व्यापी वैकुंठ गोलोक विषय प्रयोग किया, व्यापी वैकुंठ शब्द प्राधान्यतः गोलोक विषय को संबोधन है क्योंकि शास्त्र में भी सर्वत्र गोलोक धाम की प्रसिद्धि गोलोक नाम से नहीं है अपितु व्यापी वैकुंठ के नाम से ही है, तो शास्त्र में क्योंकि वैकुंठ को यत्र गावो भूरी शिंगा आयास तद विष्णु परमं पदम, एक जगह पे जहां विष्णु भी जाके मुक्त हो गए, जहां विष्णु ब्रह्मा विष्णु शिवादि को भी जहां मोक्ष मिले है, ऐसे जैसे अन्य कोई भी व्यक्ति को मुक्ति मिले तो वो वैकुंठ जाए, पर वैकुंठ नाथ भगवान विष्णु की मुक्ति होए तो वो कहां जाए, तो वेद कहे यत्र गावो भूरी शिंगा आया सदा, जहां बड़े बड़े सींग वाली गायें रहे वहां जगह पे तद विष्णु हो परमं पदम, वो विष्णु को भी परम पद है जहां विष्णु को वह पद की प्राप्ति हो, अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण में जहां जाएंगे नारायण भी लीन होए है वहां को हम व्यापी वैकुंठ कहते हैं, वो गोलोक धाम को ही दूसरो नाम है। तो ये गोलोक के संबंध लीला को संबंध भगवत सृष्टि विषयक संबंध जिनको है उनको तो या वस्तु को ज्ञान है, बाकी कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वात् विदुषाम अभी, अब देखो यहाँ में कैसा है विद्वानंद की मति मारी गई है, ऐसा नहीं कही दृष्टि उनकी जो है वो अंधकार सु अच्छन्न, अर्थात जा दिन ये अंधकार दूर हो जाएगो
विद्वानन को भी श्री महाप्रभु जी का स्वरूप को ज्ञान हो जाएगा, पर महाप्रभु जी को स्वरूप को ज्ञान विद्वानन को कहां तक होएगा? अग्नित्वम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव, वहां तक उनको केवल उतना ही होएगा कि ये तो साक्षात अग्नि स्वरूप में है, वहीं तक विद्वानन को भी ज्ञान होएगा। यासु पुराणन में संहितान में यहीं तक आएगा, अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यामि भूतले, वल्लभो अग्नि रूपस्याद विठ्ठल पुरुषोत्तम। कदाचित कोई कुछ गुसाई जी का स्वरूप फिर भी समझ में आवे कि वो साक्षात पुरुषोत्तम है, पर महाप्रभु जी की पुरुषोत्तमता तो वही कोई समझ में आएगी जाको नित्य लीला संबंध होए। तो यह कारण से एक वस्तु समझो कि वो विद्वानन की बुद्धि खराब नहीं हुई है, उनकी दृष्टि या समय पे कलिकाल रूपी तम अंधकार सु अच्छन्न होवे के कारण संप्रति अविषयस्तस्य महात्म्यम। देखो वापिस तस्य शब्द, वाको महात्म्य लोप है, वाको अर्थात कौन को? पहले तो वो भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो श्रीमद आचार्य चरण को कहां से समझेंगे? तस्य महात्म्यम अविषयस्तस्य, एक वस्तु समझो कि महात्म्यम क्या चीज है। महात्म्य जो हुए ना वो वही वस्तु को हो जाको लोक संबंध है। भाई शास्त्र में जितनों भी तुमको बताया जा रहा है कि यहाँ वैकुंठ है, गोलोक है, यहाँ स्वर्ग है, ये नर्क है, ये पाप के प्रभाव से तुम नर्क में जाओगे, पुण्य के प्रभाव से तुम स्वर्ग आदि में जाओगे, ये जो भी बात कही सब परोक्ष बात है, प्रत्यक्ष हो रहे हो, प्रत्यक्ष में तुमको नहीं दिख रहे हो, ये कैसो है? परोक्ष बात है। परोक्षवाद में श्रद्धा कौन की होगी? जाकी श्रद्धा वेदन में होगी, जाकी श्रद्धा शास्त्रन में होगी, जाकी श्रद्धा पुराण स्मृति मीमांसा आदि में होगी, बाकी श्रद्धा परोक्षवाद में होगी। बाकी हर व्यक्ति की श्रद्धा सामान्य तौर पे काय में होवे, प्रत्यक्ष में होता है। व्यासु का कहें लोक में प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यक, पर वास्तविकता यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की सर्वोपरि आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसी बहुत सी वस्तुओं को परिज्ञान व्यक्ति को होवे जो सत पदार्थ नहीं हो। जैसे अपन को कोई बहुत मृदुभाषी और सहजस्मित व्यक्ति मिले तो जरूरी नहीं हो कि वो अच्छो पुरुष है, अच्छो इंसान हो। प्रत्यक्ष में तो वो बहुत अपने को ऐसा दिख रहा है कि वाह कितना सामान्य भगवती है और खूब दया करे वालों पात्र है, पर वाके मुंह में राम बगल में छुरी होए